लैपटॉप 10,000 रुपये से स्टार्ट है। ओके उसमें 10, 12, 15, 18, 20, 25, 22, 30, 35, 40,000 तक मेरे पास लैपटॉप। और आपके जो ब्रांड कौन कौन से मिलने वाले हैं? सर मेरे पास एचपी, डेल, लेनोवो और एप्पल। इसी के थ्रू एप्पल लैपटॉप प्रिपेयर करते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप। एप्पल का ब्रांड है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, ये सारे लैपटॉप आपको मिलेंगे 10,000 स्टार्टिंग प्राइस। हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जो है अभी दिल्ली वाले। आज मैं आया हूं लैपटॉप के शॉप पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये एप्पल का लैपटॉप जो है ये आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 35,000 से स्टार्टिंग है इनके पास, जो ब्रांड न्यू लैपटॉप आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ इनके पास आप सेकंड हैंड लेना चाहे तो वो भी लैपटॉप इनके पास अवेलेबल है। ओल्ड मॉडल भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जो स्टार्टिंग प्राइस आपको 12,000 से स्टार्टिंग है इनके पास। तो सारी डिटेल मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, प्रोडक्ट भी दिखाएंगे, साथ ही साथ इनसे बात भी करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं इनसे। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके शॉप पे, और मैं इनसे बात करने वाला हूँ और इनसे मैं डिटेल में आपको वन बताऊंगा, सारी डिटेल में बताऊंगा। तो बिल्कुल आपको इस चैनल पे बने रहना है, देखना है एंड तक। तो आप मिलते हैं, बात करते हैं शॉप से। क्या आपके पास लैपटॉप के रेंज कितने तक के हैं? मेरे पास लैपटॉप 10,000 रुपये से स्टार्ट है। ओके उसमें 10, 12, 15, 18, 20, 25, 22, 30, 35, 40,000 तक मेरे पास लैपटॉप। और आपके जो ब्रांड कौन कौन से मिलने वाले हैं? सर मेरे पास एचपी, डेल, लेनोवो और एप्पल। ठीक है, और मैं बताना चाहूंगा आपका शॉप कितना पुराना है, अगर हमारे व्यूअर्स जानना चाहें तो कितना पुराना शॉप होगा आपका? 15 ईयर्स ओल्ड शॉप। ओके तो ठीक है भैया, अब हम कौन सा प्रोडक्ट पहले देखने वाले हैं? आज आप पहले हम लोअर रेंज से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सही, पहले आप देख लीजिए ये लेनोवो का लैपटॉप है। ठीक है, ये कोटुडियो लैपटॉप है। इसमें आपको प्रोसेसर कोटुडियो मिलेगा और रैम इसमें आपको 2GB मिलेगी और 160GB इसमें हार्ड ड्राइव मिलेगी। ठीक है, और 14 इंच का स्क्रीन होगा इसका। ठीक है, वाईफाई, कैमरा, ब्लूटूथ। ये सेकंड हैंड है या फर्स्ट हैंड है? सेकंड हैंड है। अगर ये सेकंड हैंड में कितने तक मिल जाएगा? ये आपको 10,000 से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर यही अगर ये ब्रांड में लेना चाहिए हमारे व्यूअर्स तो कितने तक में मिल जाएगा? ये अगर न्यू ब्रांड में लेते हैं तो न्यू ब्रांड में फर्स्ट ऑफ ऑल कोटुडियो मशीन आती नहीं है अभी। बिल्कुल, वो आपको फिर ड्यूल कोर वगैरह में मिलेगा। और ड्यूल कोर की मिनिमम जो रेंज है स्टार्ट आज की डेट में डेल और एक्सपी में आप लेते हैं तो आप ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 18 से 20,000 रुपये से स्टार्ट है। ओके तो ये यानी कि सेकेंड हैंड मिलने वाला है ओनली फॉर 10,000 रुपीज में ही हमारे व्यूअर्स को मिलने वाला है। जी ठीक है, अब हम दूसरा कौन सा बात करने वाले हैं? दूसरा मैं आपको दिखाता हूं। एक बार मैं इधर दिखा देता हूं अपने व्यूअर्स को। जी हाँ, देख सकते हैं जैसे कि आपको 10,000 में ये आपको जो है सो मिलने वाला है। ये लैपटॉप लेनोवो का ब्रांड है, काफी अच्छा ब्रांड है, सेकंड हैंड लैपटॉप है। और आपको सारी डिटेल में आपको बताया गया है कि इसमें आपको क्या क्या स्क्रीन में आपको मिल रहे हैं, सारी डिटेल में आपको बताया गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है भैया, अब हम दूसरा प्रोडक्ट कौन सा देखने वाले हैं? सर में हम आपको i3 प्रोसेसर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 4GB रैम होगा और 500GB हार्ड ड्राइव होगा। ठीक है, और ये वाला मॉडल आपको इसमें 15.6 इंच स्क्रीन है HD। ठीक है, विद कैमरा। ठीक है, और ये वाला मॉडल आपको मिल जाता है 12,500। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर वाईफाई वगैरह सब मिलता है, न्यूमेरिक कीपैड है इसमें। ठीक है, और इनका वारंटी कुछ होगा कुछ इसका? वारंटी 1 मंथ टेस्टिंग वारंटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये भी सेकंड हैंड यानी कि ये भी सेकंड हैंड है। ठीक है, तो ये सेकंड हैंड लैपटॉप आपको मिल रहा है कितने में? 12,500 में हमारे व्यूअर्स को ये मिलने वाला है ये लैपटॉप। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सेकंड हैंड लैपटॉप है। अब हम कौन सा देखने वाले हैं भैया? हम डेल देखेंगे। ओके, डेल डेल में ये मॉडल है लेटीट्यूड E6410। ओके, ये आपका i5 प्रोसेसर के साथ में है। ये i5 प्रोसेसर है इसमें आपका फर्स्ट जनरेशन, आपकी इसमें 4GB रैम है और 320GB हार्ड ड्राइव। इसमें कैम आपको इनबिल्ट मिलेगा, 14 इंच आपको HD LED मिलेगी, 14 इंच स्क्रीन साइज है। स्पीकर इसमें आपके टचपैड के कीपैड के पास ही मिलेंगे फ्रॉम। ठीक है, इसमें जो आपको टचपैड मिलेगा इसमें ड्यूल बटन्स मिलेंगे, जो बटन आपको नीचे मिलेंगे राइट एंड लेफ्ट कीज माउस की वही आपको ऊपर भी मिलेंगे।
इसके अलावा एक ट्रैक बॉल भी मिलेगा इसमें आपको, जो यूजर को हेल्प करता है अगर उसका कभी इन केस टच पैड काम ना करे तो वो ट्रैक बॉल के थ्रू भी अपना कर्सर को मूव करा सकता है। ओके, और ये कितने के रेंज में मिलने वाला है? ये मिलेगा आपको 14,500। ओके, अब कौन सा देखने वाले हैं भैया? अब हम डेल का लैपटॉप देखेंगे। डेल में है ये मॉडल लैटिट्यूड 6520। डेल लैटिट्यूड 6520। ये भी i5 प्रोसेसर के साथ में है। इसमें स्क्रीन साइज आपको बड़ा मिलेगा, 15.6 इंच HD स्क्रीन है, न्यूमेरिक कीपैड है और आपका इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, 4 USB पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, साथ में DVD, ये सब आपको इसमें मिलता है। और इसकी वारंटी 1 मंथ, टेस्टिंग वारंट, टेस्टिंग। और ये कितने में मिलने वाले हमारे व्यूअर्स को? ये मिलेगा 15,500। जैसे कि आपने देखा होगा ये आपको 15,000 में मिलने वाला है, 15,500 ओनली में आपको ये मिलने वाला है लैपटॉप। आपका नाम क्या है और अब हम कौन सा लैपटॉप देखने वाले हैं? मेरा नाम अनुज है और अभी हम देखेंगे लैपटॉप का लैटिट्यूड सीरीज है, E6540 मॉडल। ओके, ये जो सीरीज है बिजनेस सीरीज है डेल की, 4th जनरेशन में मोस्टली बिजनेस सीरीज ही लैपटॉप चल रही है क्योंकि इनमें कोई हैंग, रीस्टार्ट, ओवरहीटिंग ये यूज आते ही नहीं है। इसलिए कस्टमर को पर्सनली मैं सजेस्ट करता हूँ यदि आपको लैपटॉप खरीदना है तो आप बिजनेस सीरीज का ही लैपटॉप खरीदा। बिल्कुल, सेकंड हैंड लैपटॉप भी आपको नए लैपटॉप की तरह जी। तो ये लैपटॉप में क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को? आपको इसमें वेब कैम आपका एड है, ठीक है, न्यूमेरिक कीबोर्ड है, इसके अंदर 4th जनरेशन का प्रोसेसर है जो कि डिटेचेबल है। इवन 4th जनरेशन में हमने देखा है ज्यादातर जो लैपटॉप आ रहे हैं उनमें इनबिल्ट प्रोसेसर है। उसमें क्या कॉस्ट करता है कई बार कि आपको यदि आपका लैपटॉप खराब हो गया उसका मदरबोर्ड फॉल्टी हो गया तो उस कंडीशन में आप एक जगह बॉन्ड है कि आपको पूरा मदरबोर्ड रिप्लेस कराना है विद CPU, जबकि इसमें क्या आपका डिटेचेबल प्रोसेसर होने की वजह से आप खाली बोर्ड रिप्लेस करेंगे, प्रोसेसर और रैम आपका वही यूज हो जाएगा। तो ये क्लाइंट के पास एक एडवांटेज होता है। अच्छा, इसके इसका स्क्रीन कितना बड़ा होगा? स्क्रीन है आपका 15.6 HD स्क्रीन है। ओके, जो रैम कितना मिल जाएगा? रैम इसमें आपको 16 GB एक्सपेंडेबल है इस मॉडल में। ओके, और प्रोसेसर कौन सा होगा? ये प्रोसेसर है इसमें आपका कोर i5 जनरेशन में 4th ऑटोमेटिक चलने वाले। ओके, ठीक है, ये हमारे व्यूअर्स को कितने में मिलने वाला है? व्यूअर्स को आपको ये मिल जाएगा ये लैपटॉप 19,500 का 4th जनरेशन। आपने देखा होगा ये आपको 19,500 में ये लैपटॉप मिलने वाला है जो है डेल का, बहुत अच्छी ब्रांड है, आप ऑलरेडी जानते ही हैं ये सब। कौन सा लैपटॉप देखने वाले हैं? अब आपको हम 4th जनरेशन में अल्ट्रा बुक दिखाएंगे। अल्ट्रा बुक से डिफरेंस हमारा मेन लैपटॉप में अल्ट्रा बुक और नॉर्मल लैपटॉप का यही डिफरेंस होता है कि इनमें DVD नहीं होता, दूसरा ये थिन होता है, लाइट वेट होता है। अल्ट्रा बुक मीन्स लाइट वेट। ये जो मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने ये बता रहे तो ठीक है, तो ये इसमें फंक्शन क्या क्या मिलने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को? जो फर्स्ट एडवांटेज है नंबर 1 लाइट वेट ये लैपटॉप, अल्ट्रा बुक मीन्स लाइट वेट। सेकंड, इसमें आपके टच पैड जो है आपका इसमें दो साइड से आपके ऑपरेट कर सकते हो, लेफ्ट और राइट की दोनों साइड से आप ऑप्शन है। दूसरा, इसके अंदर जो बैटरी है आपकी लिथियम लाइट वेट बैटरी है, प्रोसेसर इनबिल्ट होने की वजह से और अच्छी परफॉर्मेंस देता है लैपटॉप। रैम इसमें DDR3 रैम है, टेक्नोलॉजी वाइज लो वोल्टेज इसमें PC3L लो वोल्टेज रैम यूज हो रही है। हार्ड ड्राइव इसमें आप SSD भी लगा सकते हैं और नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी। SSD लगाने से एक एडवांटेज ये मिलेगा कि आपका डाटा ट्रांसफर रेशियो काफी फास्ट हो जाता है, तो इवन आपकी परफॉर्मेंस 10 times बेटर हो जाती है एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव का। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये हमारे व्यूअर्स को कितने में मिलने वाला है? ये वाला लैपटॉप आपको अवेलेबल हो जाएगा 20,500 में। ठीक है, और भैया आप एक बता रहे थे कि हमारे व्यूअर्स को अगर कोई ये लैपटॉप परचेज करते हैं और उनको कोई टेक्निकल इश्यूज आता है तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं, मतलब उनको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना सर्विस सेंटर भी है, इसलिए हम आफ्टर सेल सपोर्ट भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि क्लाइंट के लिए बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि परचेज तो कहीं से भी कर सकता है लेकिन उसके बाद उसमें कोई क्वेरी आती है, कोई इश्यूज आते हैं तो उसे वो चाहता है कि कस्टमर की मुझे कहीं उसकी सपोर्ट मिले, उसके लिए हम लाइफ टाइम सपोर्ट अपने क्लाइंट्स को देते हैं। कभी भी टेक्निकल कोई क्वेरी है, इश्यूज है, आप हमारे सर्विस सेंटर पर लाइए और वहाँ पर अपनी क्वेरी को रेक्टिफाई करा सकते हैं। बिल्कुल सही, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये लैपटॉप आपको डेल का लैपटॉप है, प्राइस क्या बताया था आपने? 20,500 में ये लैपटॉप आपको मिलने वाला है। आप देख रहे हो जैसे इसका स्क्रीन भी चल रहा है, यानी कि सारे लैपटॉप आप यहाँ पे जितने भी लैपटॉप देख रहे हैं या फिर यहाँ पे भी जितने लैपटॉप आप देख रहे हैं सारे लैपटॉप आपको
ऑल रन में मिलेगा, चलता हुआ मिलेगा। वन मंथ का स्टार्टिंग आपको जो होगा सो वारंटी होगा, अदरवाइज वन मंथ में कोई भी इशू आता है तो वो आपको हो ही जाएगा। वन मंथ के बाद भी भैया ने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे इनका सर्विस सेंटर ऑलरेडी है, ये सारे लैपटॉप की सर्विसिंग भी करते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हेलो गाइस, जैसे कि भैया ने बताया आपको कि यहाँ पे सर्विस सेंटर भी है और यहाँ पे आपको एप्पल का आपको जो है सो सर्विस भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे इजीली आप एप्पल का भी जो है लैपटॉप है उसे आप सर्विसिंग करवा सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। और ये इंजीनियर है ऑलरेडी, तो यही आपका जो है सो सारी चीज़ें देखते हैं और आपके सर्विसिंग भी यही करेंगे। तो अब इन भैया का मैं आपको नाम ऑलरेडी बता ही दिया इन्होंने, बट मैं इनसे डिटेल में बात करने वाला हूँ। अदरवाइज हमें यहाँ पे कुछ मशीन दिख रहे हैं, अब मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये मशीन किस चीज़ का है। चलिए भैया से जानते हैं कि ये क्या मशीन है। भैया ये जो मशीन मैं देख रहा हूँ ये किस चीज़ का है? ये इसे हम DSO बोलते हैं, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। बेसिकली हम जितने भी मदरबोर्ड्स पे हम डेटा और अब बताइए इस DSO के थ्रू हम किसी भी डिजिटल मदरबोर्ड का डेटा, एड्रेस, क्लॉक, रिसेट सारे सिग्नल हम रेक्टिफाई करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। उसको चेक करने के लिए पर्टिकुलर इसी मशीन की जरूरत होती है, इसके बिना हम मदरबोर्ड नहीं रिपेयर कर सकते। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बैकबोन है। और ये जो मशीन मैं भैया देख रहा हूँ ये किस चीज का है? ये BGA मशीन है, मतलब किसी भी लैपटॉप के ऊपर जो ग्रीन चिप जो आप कहते हैं BGA IC जो होती है, ग्रीन IC निकालने और लगाने के लिए ये हम मशीन यूज करते हैं। इसी के थ्रू हम एप्पल लैपटॉप भी रिपेयर करते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप के मदरबोर्ड भी रिपेयर करते हैं। टेक्निकल कोई भी कोई गैजेट है आपका, सबका रिपेयरिंग का वन एंड ओनली वन स्टॉप शॉप है। मैं कुछ मशीन देख रहा हूँ, ये क्या किस चीज की मशीन है? ये आप जो मशीन देख रहे हैं इसको कहते हैं BIOS प्रोग्रामर। ओके, इसमें क्या होता है? इस BIOS प्रोग्रामर के थ्रू आप मदरबोर्ड के किसी भी BIOS को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप्स में एक BIOS की चिप होती है जिसमें आप सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक करते हैं, जिसे आप सेटअप कहते हैं। तो उसकी जो प्रोग्रामिंग चिप होती है उस चिप को इसके थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं। अगर उसका प्रोग्राम करप्ट हो गया है तो आप उस चिप को इस पे लगा के डिवाइस पे और आप कंप्यूटर के थ्रू उस प्रोग्राम को रीइंस्टॉल कर सकते हो। तो ये मशीन आपकी BIOS प्रोग्रामिंग के काम आता है। हम कौन सा लैपटॉप जानने वाले हैं भैया? अब हम देखेंगे एप्पल का लैपटॉप, ठीक है। एप्पल में ये लैपटॉप है मैकबुक प्रो, ठीक है। इस लैपटॉप में आपको i3, i5, i7 तीनों प्रोसेसर्स मिल सकते हैं, तीनों मॉडल्स में अवेलेबल है। और इसमें आपको रैम 4GB 8GB दोनों अवेलेबल है। इसमें आपको हार्ड ड्राइव भी आप चाहो तो SSD लगा सकते हैं, जिसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, डेटा ट्रांसफर स्पीड कम एज पर कम्पेयर टू लोकल SSD। जो SSD है उससे ज़्यादा स्पीड इसकी आपको मिलेगी SSD में। तो अगर आप चाहते हैं इसमें SSD लेना तो आप SSD के साथ ले सकते हैं, और आप चाहते हैं नॉर्मल SSD के साथ लेना तो वो भी आप ले सकते हैं। इसमें जो स्क्रीन होती है ये Full HD स्क्रीन है, Full HD स्क्रीन है और अल्ट्रा थिन है ये, ठीक है। ये आपको अच्छा ग्राफिक्स देती है, इसमें इनबिल्ट कैमरा भी है और ये स्क्रीन का साइज है 15.6, ठीक है। इसमें आपको USB जो मिलेंगे और साइड में मिलेंगे, ठीक है। और ये आपका चार्जिंग का आपका पॉइंट मिलेगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक होगा पूरी तरह, ठीक है। ये इसमें स्पीकर्स जो है आपको ऊपर ही मिल जाते हैं, यहाँ पे टच पैड के पास ये स्पीकर्स होते हैं आपके। बैटरी बैकअप भी इनका 1 आवर्स प्लस ही होता है। तो ये सेकेंड हैंड लैपटॉप कितने में मिलने वाला है? ये 35,000 रुपये में मिल जाएगा आपको। आपको हमारे चैनल की तरफ से एडिशनल 2-5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और मैं बता दूं ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जो कि अभी इंस्टाग्राम की ID आ रही होगी उस पर जरूर कमेंट करना। और साथ ही साथ मैं बताऊँगा अपना ख्याल रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।